एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरी आज की रेसिपी है नारियल के लड्डू, जो सभी को बहुत पसंद आते हैं और बहुत आसानी से बन भी जाते हैं। तो देखिए मैंने इसमें क्या क्या लिया है लड्डू को बनाने के लिए। ये 2 कटोरी कोकोनट पाउडर है, ये 2 कटोरी करीब 200 ग्राम है, 1 कटोरी चीनी है 100 ग्राम है, 1 कटोरी दूध, 2 बड़े चम्मच दूध का पाउडर है, 1/2 चम्मच ये छोटी इलायची पाउडर है, 2 चम्मच देसी घी है, और ये फूड कलर है, ऑप्शनल है, और आपका मन है तो डालें, नहीं तो इसको स्किप कर दें। तो चलिए हम अब बनाना शुरू करते हैं। घी डालेंगे जो मैंने 2 चम्मच लिया था उसको। इसमें हमको कोकोनट पाउडर जो है उसको थोड़ी देर के लिए भूनना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम भूनेंगे। हमारा नारियल का पाउडर जो है ये भूनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हम ये 1 कटोरी दूध डालेंगे। इसको हमको 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है, थोड़ा गाढ़ा जब तक ना हो जाए तब तक। हमारा 2 मिनट तक ये दूध पक गया है। 2 चम्मच हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। जरा सा मैंने ये लिया हुआ है फूड कलर, इसको भी डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो ये सादा ही डालें, बगैर फूड कलर के भी आप बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारा भुना हुआ कोकोनट पाउडर। इसको भी हम फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा ये दूध और कोकोनट पाउडर जो है अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। चीनी जैसे जैसे घुलती है ये पिघलती जाएगी, इसलिए इसको हमको लो फ्लेम पे ही इस तरह से मिलाना है। ये हमारा अब लड्डू बनने के लिए तैयार हो चुका है। चीनी पिघल भी जाए तो इसको हम थोड़ा इस तरह से 1 मिनट सुखा लेंगे। इस तरह का हमको चाहिए कोकोनट लड्डू बनाने के लिए। चलिए हम इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसके लड्डू बना लेते हैं। ये मिश्रण जब थोड़ा गर्म ही रहे तो हमको इस तरह से लड्डू बना लेना है। और इसको इस तरह से मैंने नारियल का थोड़ा सा पाउडर लिया हुआ है, इसके ऊपर हम इस तरह से लपेटेंगे और इस तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे। इस तरह से लड्डू बनाकर हमको कोकोनट पाउडर से लपेटना। हमारी नारियल के लड्डू बनके तैयार हो चुका है। इसको आप बनाएं और बनाकर अपने परिवार के साथ खाएं। और अगर मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।